हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम लोग करेंगे फेडरलिज्म के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये है पार्ट वन, ऐसे ही आपके दो तीन पार्ट आएंगे और हम लोग करीब 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री एंड द ऑप्शंस आर डिक्टेटरशिप, यूनिटरी सिस्टम, मोनार्की एंड फेडरलिज्म। तो ये करेक्ट आंसर होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ही वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर जो है दो में डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री में। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजुअली हैव? तो फेडरेशन में कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं? तो ऑप्शंस हैं सिंगल, टू, थ्री, मल्टीपल एंड द करेक्ट आंसर इज टू। कितनी टाइप्स ऑफ लेवल होती हैं? टू टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट क्या होती है? पूरे कंट्री के लिए होती है। दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. तो एक होती है जो कि कंट्री को गवर्न करती है और दूसरी होती है जो स्टेट या provinces को गवर्न करती है। ओके, ठीक है, तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरल में। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम? तो कितनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है? ऑप्शंस हैं 42, 33, 25, 18। द करेक्ट आंसर इज 25। तो 25 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनका फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो इस मैप में आप देख रहे हैं जो जो कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं वो कंट्रीज़ का क्या है? अपना फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ओके, कनाडा आपको दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, नाइजीरिया। तो ये सब जो है मिलाकर कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल 25 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। क्या फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए ऑर्डर दे सके? एंड द ऑप्शंस आर कैन नॉट, मे एंड एएमसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ऑर्डर कर सकती है, ठीक है, कुछ करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, कैन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। विच कंट्रीज प्रैक्टिस दिस सिस्टम? ठीक है, तो जब लार्ज कंट्री होती हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे इंडिया ही है तो इंडिया क्या होता है, पावर जो है डिवाइड हो जाते हैं स्टेट्स एंड एक सेंट्रल के बीच में। जो सेंट्रल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है और जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट ही चलाएगा। तो दो के पावर बीच में पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, मतलब दोनों लोग होल्ड कर रहे हैं पूरे नेशन को एक साथ। विच कंट्रीज प्रैक्टिस दिस सिस्टम? ये प्रैक्टिस, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन कौन से जगह पर, कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, इटली, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, नंबर थ्री कैनेडा, इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूएसए। तो याद रखिएगा, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट? तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, नंबर टू सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, नंबर थ्री सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, एंड नंबर फोर सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी मतलब जो लेफ्ट आउट है, जो कहीं पे भी शामिल नहीं है, वो क्या हो गया? रेसिडुअल, रेसिडुअरी। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जो कोई भी लिस्ट में नहीं आते, जो बच्चे खुचे हैं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, न यूनियन लिस्ट में, न स्टेट लिस्ट में। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट अंडर द रेसिड्यूरी लिस्ट. अभी हमने देखा कि रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होते हैं, जो कि लेफ्ट आउट है, ठीक है, जो कि किसी लिस्ट में शामिल नहीं है. तो अब इसमें बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल होगा. पहला है करेंसी, इरीगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉमर्स. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा जो कि किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं होता है. तो वो किस लिस्ट में हो जाएगा, रेसिडुअरी लिस्ट में हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस वर स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड. ऑप्शन 1, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी. नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. तो जो झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड जैसे स्टेट्स हैं, ये किस बेसिस पर बने थे, तो ये बने थे कल्चर एंड एथनिसिटी के बेसिस पर. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ डैश वॉज अ फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ऑप्शंस आर स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन. नंबर 2, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कल्चर. नंबर 3, लिंग्विस्टिक स्टेट्स इट स्टेट्स. नंबर 4, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी. तो पहला क्रिएशन मतलब किस बेस पे करा गया था स्टेट्स का. जब स्टेट्स बनते हैं तो वो कुछ ना तो कुछ अलग होता है, कहीं किसी का रहना सहना अलग होता है, कल्चर सबके अपने अपने अलग होते हैं. और या फिर टोपोग्राफी के बेसिस पर हुआ था, या फिर बोलने की, लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब बोलने की, कि आपकी लैंग्वेज अलग है, दूसरे स्टेट की लैंग्वेज अलग है, तीसरे स्टेट की लैंग्वेज अलग है. तो किस बेसिस पे जो पहला हुआ था, वो किस बेसिस पे डिवीज़न हुआ था. तो जो पहला क्रिएशन हुआ था, मतलब स्टेट्स का डिवीज़न जो हुआ था, वो किस बेस पर हुआ था, लिंग्विस्टिक स्टेट पर. और ये मेजर टेस्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का. ओके तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म. ऑप्शंस हैं हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर. नंबर 2, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. नंबर 3, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज. नंबर 4, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. तो कौन सी पावर शेयरिंग फेडरलिज्म के अंडर आती है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चार्ज दिस अरेंजमेंट. एनी चेंज टू इट हैज अ फर्स्ट पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट डैश मेजॉरिटी. ऑप्शन है 50%, 3/4, 2/3, 25%. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2/3. तो 2/3 मेजॉरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए फ्रॉम द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तभी जो है कोई भी पावर होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. तो कोई एक फीचर बताना यूनियन टेरिटरीज का जो इन चारों में से होगा. नंबर 1, दे हैव पावर ऑफ अ स्टेट. नंबर 2, दे एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर. नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज. ऑप्शन 4, दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कैन बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special power under certain provision of the constitution of the article 371, under which context do they get these provision. options are because of trade and commerce. option 2, protection of land rights of indigenous people. option 3, special provision for agriculture. option 4, for defense purposes. dekhiye Assam, Nagaland, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो इन लोग में क्या है, कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं किसके तहत, आर्टिकल 371 के तहत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल. वहाँ पे कुछ जो है ट्राइब्स रहते हैं, कुछ इंडिजिनस पीपल रहते हैं, तो उनके लैंड के प्रोटेक्शन के लिए कुछ उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं, ठीक है, ताकि उनका जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहे.
तो ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। डिफेंस के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं है। बस उनको क्या है, जो लैंड राइट्स हैं उनके, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ पावर्स, या कुछ आप कहेंगे कि हाँ कुछ पावर्स उनको दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर इंग्लिश ओनली -% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कितने परसेंट लोगों ने के लिए ये इंग्लिश मदर टंग है। तो ऑप्शन वन है 20%, ऑप्शन टू 5%, ऑप्शन थ्री 0.5% एंड ऑप्शन फोर 0.02%। देखिए इंडिया में है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी उनकी मदर लैंग्वेज है, लेकिन 0.02% लोग हैं जिनके लिए मदर टंग क्या है, हिंदी नहीं इंग्लिश है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट, दैट इज 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेटा फॉर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट इन प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर आफ्टर हिंदी। ऑप्शन वन है तेलुगु, तमिल, बंगाली, उर्दू। तो अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो हिंदी के बाद सेकेंड हाइएस्ट कौन सी लैंग्वेज है जो बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। तो ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 रिकॉर्डेड मोर देन - डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मैंशन एज देयर मदर लैंग्वेजेस। नंबर वन 200, नंबर टू 500, नंबर थ्री 1200, नंबर फोर 1300। तो अगर 2011 सेंसस की बात करें तो कितने मतलब कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि एज अ मदर टंग दिखी हैं। तो एक हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बंगाली हो गई, ऐसे कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी लैंग्वेजेस हैं, 1300। ओके, तो ऑप्शन फोर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर विच लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन है 1980s, ऑप्शन टू 1990s, ऑप्शन थ्री 1870s, ऑप्शन फोर 2000 ऑनवर्ड। तो ये कब से शुरू हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1990 से स्टार्ट। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स हिंदी दे आर -लैंग्वेजेस रिकोगनाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है 21, 23, 27, 24। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं हिंदी के अलावा, दैट इज़ 21। तो टोटल मिला के कितनी होगी, 22। ये याद रखिएगा, टोटल 22 है। यहाँ पे चूंकि हिंदी मेंशन है इसलिए हिंदी के अलावा छोड़ के, तो हिंदी के अलावा छोड़ के कितनी हो जाएंगी, 21, एक हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट -% ऑफ इंडियंस। ऑप्शन वन 60%, 30%, 40%, 50%। तो हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट कितने परसेंट, दैट इज़ 40% ऑफ इंडियन। और इंग्लिश कितने थी, 0.02%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज। ऑप्शन वन, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नंबर टू, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नंबर थ्री, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। नंबर फोर, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीन में पावर्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो ये क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित